नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आर ओ ए आर ओ जी एस मॉक टेस्ट 98, जिसमें कि 40 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आर ओ ए आर ओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। क्लास में बता दूं, ये प्रश्न जो है वो यूपी आर ओ ए आर ओ प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप अपने दिमाग में ये चीज बिठा लीजिए कि जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्ट्स होते हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो आर ओ ए आर ओ की परीक्षा हो, चाहे वो बीईओ की परीक्षा हो। सारे परीक्षाओं में देखा गया है कि एनवायरमेंट एक्ट जो है वो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि आपकी परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले प्रश्न को डिस्कस करते हैं, फिर और इम्पोर्टेंट एक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो दिया गया है वो है, दिया गया है वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात यहाँ पर की गई है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो किस वर्ष में आया है, 1980 में आया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दिया गया है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जिसको कि हम कहते हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है बताइए, ये 1986 में आया है, तो दूसरे का सेकेंड हो जाएगा। वायु अधिनियम की हम बात करेंगे, एयर एक्ट की, तो वो 1981 में आया है। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की हम बात करेंगे, तो ये कब आया है, 1974 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, डी होगा। 1, 2, 3, 4 आपका सही है। अब क्लास यहाँ पर हम कुछ और इम्पोर्टेंट एक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, आप एक जगह इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे पेपर में पूछा जाता है वन जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसको हम कहते हैं वन जीव संरक्षण अधिनियम, वो किस वर्ष आया है, तो 1972 याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर कई बार पेपर में पूछा है, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है बताइए, 1973 में। मैं आपको वो एक्ट्स बता रही हूँ, वो प्रोजेक्ट बता रही हूँ जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, 1973। ठीक है, इसी तरीके से एलिफेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट मैं इसको लिख देती हूँ, ये किस वर्ष आया है, तो ये आपका 1992 में आया है। वैसे मैंने आपसे ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं 1992 में। ठीक है, और फिर आपका क्या आता है, बायोडायवर्सिटी एक्ट, बायोडायवर्सिटी एक्ट जिसको कि हम जैव विविधता अधिनियम कह रहे हैं, तो ये किस वर्ष आया है बताइए, ये आपका 2002 में आया है। तो सारे एक्ट्स एक जगह लिख लीजिए आप लोग और याद कर लीजिएगा, यहां से स्टार्ट कीजिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, इसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन अधिनियम, ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जिसको कि हम बोल रहे हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, फिर आपका एयर एक्ट 1981 में, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और एक जगह सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है, तो यहाँ पे किस इंस्क्रिप्शन में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है, भित्री में, जूनागढ़ में, प्रयाग प्रशस्ति में, या फिर मंदसौर अभिलेख में।
तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है डी, सेकेंड का डी आपका सही उत्तर है क्लास। अब एक चीज याद रखिएगा दिमाग पे, इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड, अभिलेख से रिलेटेड भी प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हम सारे अभिलेखों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए हाथी गुम्पा अभिलेख की जब हम बात करेंगे, ये पूछा गया, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। हाथी गुम्पा अभिलेख किससे रिलेटेड है, तो कलिंग राजा खारवेल से रिलेटेड है। जूनागढ़ अभिलेख भी परीक्षा में पूछा गया है। जूनागढ़ अभिलेख जिसको कि हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, वो किस राजा से रिलेटेड है, रुद्र दामन से। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से। ये सारा पूछा गया अभिलेख है क्लास पेपर में। ऐहोल अभिलेख की हम बात करेंगे तो पुलकेसिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यजोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। तो ये सारे अभिलेख आपको याद होने चाहिए क्योंकि परीक्षा में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर हमारा जो प्रश्न था उसका सही उत्तर था मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख की अगर हम बात करें तो मंदसौर अभिलेख हमें मध्य प्रदेश में मिलता है और मैंने आपको बताया है ये मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ठीक है, मंदसौर से मिले अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है जो प्रमुख रूप से लाठ गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। तो ये भी याद रखिएगा क्लास कि दशपुर के नाम से किसे जाना जाता था। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो प्रमुख रूप से लाठ गुजरात को लाठ के नाम प्रदेश के नाम से जाना जाता था और मंदसौर चले गए थे जिसे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। तो दोनों याद रखिएगा कि गुजरात को किस नाम से जाना जाता था और मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न क्लास। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जिंदा पीर किसे कहा गया है, तो औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था, ये भी आपका सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, तीसरे का सी आपका सही उत्तर है। क्लास अब मैं आपको कुछ बैटल्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा में अभी रिसेंटली यहाँ से प्रश्न बना है, अगर आपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देखे हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला बैटल ऑफ धर्मठ। बैटल ऑफ धर्मठ किसके समय में हुआ था, औरंगजेब के समय में हुआ था। किस ईयर में हुआ था, 1658 में हुआ था, याद रखिएगा। बैटल ऑफ सामूगढ़, बैटल ऑफ सामूगढ़ याद रखिएगा, ये कब हुआ है, ये भी 1658 में ही हुआ है। ठीक है, लेकिन ये किसके किसके बीच में हुआ है, दारा शिको और औरंगजेब के बीच में। बैटल ऑफ खजवा, ये कब हुआ है, 1659 में हुआ है। ये सारे बैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करने के लिए बोला गया था। ये किसके किसके बीच में हुआ है, औरंगजेब और शाह सुजा के बीच में हुआ है, याद रखिएगा। और बैटल ऑफ जजुआ की अगर हम बात करेंगे तो ये कब हुआ है बताइए, ये आपका हुआ है 1707 में। ठीक है, और ये किसके किसके बीच में हुआ है, बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच में। तो यहाँ पर ये सारे बैटल्स याद रखिएगा, अब परीक्षा में इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोला जा रहा है। तो धर्मठ के बाद आपका सामूगढ़ हुआ है, उसके बाद खजवा हुआ है, फिर आपका जजवा हुआ है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न को ध्यान से देखिए, सल्तनत काल में प्रचलित शब्द इदरार का क्या मतलब था, इदरार का क्या मतलब था बताइए। यहां पर या एक प्रकार का धार्मिक कर था, या अन्य देशों के साथ व्यापार की एक निर्यात वस्तु थी, या फिर विद्वानों व धार्मिक लोगों को दी जाने वाली वाला आर्थिक सहायता थी, या फिर इमारतों के निर्माण करने वाले के संबंध में प्रयुक्त होता था। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है सी, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस था विच वॉज गिवन टू द स्कॉलर एंड रिलीजियस पीपल। विद्वानों व धार्मिक लोगों को दिए जाने वाले आर्थिक सहायता को हम क्या कहते थे, इदरार कहते थे। अब यहां पर हम कुछ और टर्मोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, जैसे सदका की जब हम बात करते हैं तो ये एक धार्मिक कर होता था। ठीक है,
वक्त की हम जब बात करते हैं तो धार्मिक कार्य के लिए सुरक्षित कर दी जाने वाली संपत्ति अथवा भूमि को हम क्या कहते थे? वक्त। मसाहत भूमि कर को पैमाइश। मिल की अगर हम बात करेंगे, विद्वानों को धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि। मैमार इमारतों का निर्माण करने वाला। तो यहाँ पर आप सारे ही शब्दावली को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और पढ़ लीजिए। परीक्षा में जब इस तरीके के प्रश्न बनते हैं तो ज्यादातर बच्चों को इसका उत्तर नहीं पता होता है, लेकिन आप अगर एक बार पढ़ के जाएंगे तो आपके दिमाग में जरूर क्लिक करेगा। कहा जाता है ना कि पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लगाइए, ठीक है? और जितना प्रश्न आप लगाएंगे उतना आपको पता चलेगा कि आपका कितनी तैयारी है कितनी तैयारी नहीं है। आप खाली पढ़ते जाएंगे तो आपको ये कभी नहीं पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो हमेशा क्लास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए पेपर में अपीयर होने के पहले। जब आप खूब ढेर सारे प्रश्नों को लगा के पेपर में अपीयर होते हैं ना, खाली लगाना नहीं है आपको, आपको उनके सॉल्यूशन को भी देखना है। आपको देखना है क्या आप सही उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और मैं आपको बता रही हूँ, जब आप मैक्सिमम टेस्ट और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लगा के पेपर में अपीयर होते हैं ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है? और बस आप अगर पढ़ते जाएंगे लास्ट मिनट तक, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी आप टॉपर्स के इंटरव्यू को सुनेंगे तो वो हमेशा कहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाइए ना, आप अपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से देख के जाइए। तो इसी वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लगाइए। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का मैंने आपको बता दिया था जो सही उत्तर था वो था सी, ठीक है? जब हम इद्रार की बात करेंगे तो इद्रार का अर्थ क्या है? विद्वानों व धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता। अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा प्रश्न। दिल्ली में पुराना किला किला के सामने जो खैरुल मंजिल का मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर बोला गया जो खैरुल मंजिल जो है पुराने किला के सामने, उसका निर्माण किसने कराया है बताइए? हमीदा बानो बेगम ने, सलीम सुल्तान ने, सलीमा सुल्तान ने, जीजी अंगा ने, या फिर माहम अंगा ने, ठीक है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? माहम अंगा ने इसका निर्माण कराया है। फिफ्थ का जो डी है वो आपका सही उत्तर है। अगर हम माहम अंगा की बात करें तो आप सभी को पता है इन्होंने, ये जो थी ये अकबर की संरक्षिका थी, ठीक है? इन्होंने इनकी देखभाल की थी। तो पांचवे का डी आपका सही उत्तर है। छठवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही जाती है, यह कथन निम्न में से किसका है? क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही जाती है, बताइए ये किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है? भगत सिंह द्वारा, मंगल पांडे द्वारा, रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा, या फिर सुभाष चंद्र बोस द्वारा? और यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है भगत सिंह द्वारा, ठीक है? ये स्टेटमेंट दिया गया है। सिक्स्थ का आपका ए जो है वो सही उत्तर है। अगर हम भगत सिंह की बात करें तो आप सभी को पता है कि भगत सिंह ने दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट कराया था, ठीक है? और उन्होंने कहा था ना कि जो लोग बहरे गूंगे, जो बहरे हो चुके हैं उनके कान तक आवाज नहीं जा रही है, तो बम फोड़ा था इन्होंने। और आपको पता है कि 23 मार्च 1931 को राजगुरु व सुखदेव के साथ भगत सिंह को भी फांसी पर लटका दिया गया था। ये सारी चीजें आपको पता होगी। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? ए आपका सही उत्तर है। सातवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? यह भी परीक्षा में पूछा गया एक प्रश्न है। यहां पर पहला ऑप्शन आपको दिया गया है जेबी कृपलानी ने, फिर उसके बाद आपको राम मनोहर लोहिया दिया गया है, फिर अच्युत पटवर्धन, फिर आपको दिया गया जयप्रकाश नारायण। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो आपका है डी, जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। वहां से वे जेल की दीवार को फांद कर फरार हो गए थे तथा आंदोलन में भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन इन्होंने किया था, ठीक है? याद रखिएगा। तो अगर पेपर में प्रश्न पूछे कि आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया है, तो आप याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण द्वारा। क्या है, मैं यहां पर लिख देती हूं, आजाद दस्ता। और अगर परीक्षा में पूछे कि आजाद
आजाद दस्ता का गठन किस समय हुआ है, किस आंदोलन के समय हुआ है, तो आप याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेबी कृपलानी सॉरी जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न, शारदा एक्ट 1930 में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु डैश तथा लड़कों की न्यूनतम आयु डैश निर्धारित की गई थी। तो शारदा एक्ट में लड़कियों की न्यूनतम आयु कितने डिसाइड की गई थी, 14 वर्ष, और लड़कों की 18 वर्ष। तो यहां पर देख लीजिए 14 वर्ष और 18 वर्ष आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, तो आठवें का ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगर परीक्षा में क्लास पूछेगा कि शारदा अधिनियम को पारित किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे, उस समय कौन वॉइस रॉय था, उस समय लॉर्ड इरविन था, याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड इरविन 1930 में लॉर्ड इरविन ने शारदा अधिनियम पारित किया था, याद रखिएगा 1930 में। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। यहां पर इस प्रश्न को देखने के पहले मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को आपसे डिस्कस करूंगी, पहले उसको ध्यान से सुनिए। अच्छा, यहां पर इनका भी नाम आप याद रखेंगे, समाज सुधारक हर विलास शारदा के अथक प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 1930 में लॉर्ड इरविन के समय शारदा अधिनियम पारित किया गया था। तो पूरा नाम आप याद रखिएगा, हर विलास शारदा, और इन्हीं के नाम पर शारदा एक्ट आया, जिसमें कि लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। अब यहाँ पर कुछ और अधिनियम हम डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। सती प्रथा प्रतिबंध की अगर हम बात करें तो ये किस गवर्नर के समय आया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। ठीक है, और यहाँ पर आपका वर्ष कौन था, 1829। मैंने आपको बताया है सती प्रथा प्रतिबंध के लिए महत्वपूर्ण योगदान किसका था, राजा राम मोहन रॉय का, और मैंने राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए हैं कि कैसे इन्होंने आत्मीय सभा का ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। हिंदू कॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप याद रखेंगे, तो सारे पॉइंट्स आपको एक जगह अपने दिमाग में रिवाइज करते हुए चलना है। इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी, राजा राम मोहन रॉय को, तो यहाँ पर याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लाया गया 1829 में, जिसमें सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन ब्रो के समय में लगाया गया 1843 में। ठीक है, और किस चार्टर अधिनियम के द्वारा, तो याद रखिएगा चार्टर अधिनियम 1833 में दासता को 1843 द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। तो किस एक्ट में बोला गया था, तो आप याद रखेंगे चार्टर एक्ट 1833 में बोला गया था, और 1843 आते आते इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिन थे 1856, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह की जब हम बात करते हैं तो किसका बहुत बड़ा योगदान था, यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, तो याद रखिएगा क्लास। फिर नेटिव मैरिज एक्ट की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थब्रुक का नाम याद रखना है 1872। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट यहाँ पे लेंसडाउन 1891, और लड़की के लिए विवाह की आयु कितने निर्धारित की गई थी, यहाँ पर 12 वर्ष निर्धारित की गई थी एज ऑफ कंसेंट एक्ट में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक प्रश्न मैं आप लोग से पूछूंगी, बताइएगा मुझे प्रश्न कमेंट बॉक्स में, क्लास जरूर उत्तर दीजिएगा। जब आप उत्तर देते हैं तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके कमेंट बॉक्स से मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ये चीज समझ में आती है। मुझे मेरा प्रश्न ये है आपसे कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट को किस नेता ने इसका विरोध किया था, आप समझ रहे हैं, मैं फिर से ये प्रश्न बोलूंगी, कौन सा ऐसा लीडर था जिसने कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किया था। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, नौवा प्रश्न देखिए क्लास, यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहती है किंतु वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो जाती है तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया है, यदि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती हैं तो उसे लागत जन मुद्रास्फीति कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लास, हमने इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन की जब भी हम बात करते हैं तो मेनली हम इन्फ्लेशन को दो उसमें डिवाइड करते हैं, एक आपका होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और इधर हम डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए
यहाँ पर भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पुश इन्फ्लेशन होता है, और यहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करूंगी। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखिए, व्हेन द कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रिमेन द सेम इन द इकोनॉमी बट द डिमांड एक्सीड द सप्लाई ऑफ गुड एंड द सर्विसेज, इट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी हम मांग मान के चलते हैं, प्याज को लेके चलते हैं, अनियन को लेके चलते हैं, ठीक है, अनियन को क्यों लेके चलेंगे, अच्छी चीज लेके चलते हैं, गाड़ी को लेके चलते हैं, कार को, ठीक है, कोई एक गाड़ी है जो कि 1 करोड़ की है, हैवी अमाउंट लेते हैं, 1 करोड़ की एक गाड़ी है। यहां पर पहले डिमांड जो थी, मतलब कितने लोगों को ये 1 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है, वो 10 लोगों को खरीदनी थी, ठीक है, और गाड़ी भी आपकी 10 थी, तो 10 लोग 10 करोड़ रुपए देंगे, मतलब हर इंसान 1-1 करोड़ रुपए देगा, आराम से गाड़ी खरीद लेगा। अब अचानक से लोगों की जॉब लग गई, लोगों के पास बहुत पैसा आने लगा, लोग अमीर होने लगे, ठीक है, तो यहां पर जो डिमांड थी वो 10 से बढ़कर 100 हो गई, लेकिन अभी भी जो मार्केट में जो गाड़ी की अवेलेबिलिटी है वो आपकी क्या है, 10 ही है, मतलब अभी भी मार्केट में 10 ही कार है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब मार्केट में खाली 10 कार है लेकिन अब खरीदने वाले 100, बड़ी नाइंसाफी है। अब आप सोचिए, मार्केट में खाली 10 कार है, खरीदने वाले 100, और इन लोग के पास करोड़ रुपए आ गए हैं, तो मतलब ये 100 लोग ये 10 गाड़ियां खरीद सकते हैं, तो अब क्या होगा, यहाँ पे लोगों की डिमांड बढ़ गई ना, बहुत तेजी से डिमांड बढ़ गई, इनके पास पैसा या डिमांड बढ़ गई, तो यहाँ पर कार की जो रेट है वो क्या कर देगा, जो मैन्युफैक्चरर है वो हाई कर देगा, वो कहेगा अरे वाह, जब लोगों की इतनी डिमांड आ रही है और खाली मैं ही गाड़ी को प्रोड्यूस कर रहा हूँ इस, तो मैं इसका रेट बढ़ा देता हूँ, तो वो अब चाहेगा तो इस 1 करोड़ की गाड़ी को 2 करोड़ कर दे, 3 करोड़ कर दे, 4 करोड़ कर दे, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास तो अभी 10 ही गाड़ियां हैं लेकिन लोग बहुत हैं, तो वो 5 करोड़ भी कर सकता है। तो यहाँ पर डिमांड की वजह से लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, और जो नंबर थे वो तो आपके सेम थे, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो उससे जो महंगाई में जो वृद्धि होगी, ठीक है, जो प्राइस बढ़ेगा, उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन आ रहा है, ये चीज समझ में आया। अब यहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, जब प्राइस आपका इंक्रीज करे ड्यू टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर हम फिर वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर डिमांड 10 की है, ठीक है, गाड़ी भी आपकी चलिए 10 ही थी, लेकिन यहाँ पर गाड़ी को बनाने के लिए स्टील की जरूरत है, ठीक है, दूसरे मशीन्स की जरूरत है, ऑयल की जरूरत है, जो भी चीजों की, पार्ट्स को बनाने के लिए सब चीज की, तो यहाँ पे इसको जो बनाने में जो लागत आ रही थी, यहाँ पे स्टील महंगा हो गया, स्टील महंगा होगा तो गाड़ी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो भी महंगा हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं, जिस चीज से आपकी गाड़ी मिलकर बनी है, ठीक है, अगर वहां पर जो मटेरियल यूज किए जा रहे हैं उनके कॉस्ट बढ़ेंगे तो डायरेक्टली आपकी किस पे असर पड़ेगा, सीधा असर आप गाड़ी के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे देखेंगे, वो भी बढ़ जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है क्लास, ये चीज समझ में आ गई। तो आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो पूरा खेल आपका एक तरीके से डिमांड का होता है, जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और जो क्वांटिटी है किसी भी चीज की, जो नंबर है वो, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और जैसे ही अगर हम यहाँ पर कहें कि डिमांड घटेगी, ठीक है, और जो चीजें हैं, मतलब कोई अगर आपका प्रोडक्ट है, आप खुद सोचो, मार्केट में 100 है, डिमांड घटने लगी, अब खाली एक ही लोगों को डिमांड, तो ये प्राइस सस्ता हो, ये इस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो आपका सस्ता हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, सी आपका सही उत्तर है। अब आप इसको कई एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। 10वां प्रश्न हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए, एक तरफ उद्योग दिया गया है, दूसरी तरफ आपको क्या दिया गया, पहला कारखाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या तो सुमेलित करने को प्रश्न पूछा जा सकता है क्लास, या फिर डायरेक्ट पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से पेपर में प्रश्न बन सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि पहली आयरन स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर खुली थी, फर्स्ट इंडस्ट्री कौन थी, फर्स्ट फैक्ट्री कौन सी थी, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि फर्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बताया है। सूती वस्त्र की अगर हम बात करेंगे, तो सूती वस्त्र की जो पहला कारखाना था वो आपका कहाँ पर था, वो आपका
फोर्ट ग्लॉस्टर में था, ठीक है, जो कि कोलकाता में है। तो ए का आपका क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। कागज की हम बात करेंगे तो कागज की पहले इंडस्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री आपकी श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट यहां पर दिया गया। और हम ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में दिया गया है। जब हम आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे कुल्टी पश्चिम बंगाल, ठीक है, और हेवी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो आपका रांची झारखंड। तो टेंथ का बी आपका सही उत्तर है क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना, समय एवं स्थान। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, सूती वस्त्र की अगर हम बात करें तो पहला उद्योग 1818 में आपका ये, इसकी स्थापना हुई थी, और फोर्ट ग्लॉस्टर पश्चिम बंगाल में। कागज की बात करेंगे तो 1812 में, ठीक है, श्रीरामपुर। सीमेंट की बात करेंगे तो 914 मतलब 1904 में चेन्नई तमिलनाडु। लौह इस्पात की बात करेंगे तो 1874 कुल्टी पश्चिम बंगाल। जूट 1855 रिसरा पश्चिम बंगाल। एल्यूमिनियम 1937 जेके नगर पश्चिम बंगाल। भारतीय इंजीनियरिंग 1958 रांची झारखंड। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये प्रथम है, सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना की बात की गई है, समय और स्थान के साथ। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 11वें प्रश्न को अब हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करता है, यहाँ पर स्ट्रेट की बात की गई है। इसके पहले वाले क्लास में भी मैंने आपको बताया था, जब भी हम स्ट्रेट की बात करते हैं तो जो स्ट्रेट है वो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, ठीक है, वाटर बॉडीज को क्या करता है, दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। लेकिन जो लैंड मास है, जो लैंड है, उसको क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। तो यहां पर बोला गया कौन सा स्ट्रेट आपकी ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है, ये भी मैंने डिस्कस किया है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, जो डोवर स्ट्रेट है वो ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। तो 11th का बी आपका सही उत्तर होगा। यहां पर देख लीजिए, स्ट्रेट ऑफ डोवर इधर आपको इंग्लिश चैनल दिख रहा है, इधर आपको नॉर्थ सी दिख रहा है। तो अगर परीक्षा में इस तरीके से पूछा कि कौन सा स्ट्रेट नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से कनेक्ट करता है, तो आप क्या उत्तर देंगे, स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है। या फिर अगर परीक्षा में पूछा कौन सा स्ट्रेट इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है, सेपरेट करता है, तब भी आप उत्तर क्या देंगे, स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है। अगला हम देखते हैं, यहां पर आपको दिख रहा है हॉर्मूज स्ट्रेट, दिख रहा है क्लास यहाँ पे हॉर्मूज स्ट्रेट। और इधर आपको अगर आप देखेंगे, इधर पर्शियन गल्फ है, ठीक है, और इधर गल्फ ऑफ ओमान है। तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, हॉर्मूज स्ट्रेट है। हॉर्मूज स्ट्रेट किसको अलग करता है, इधर ईरान को यूएई से, याद रखिएगा। इधर आप देखिए, इधर बाबल मंडल स्ट्रेट है, ठीक है, ये यहां पर देखिए, इधर की तरफ आपको दिख रहा होगा, जहां पर मैं रेड पेन से ऐसे गोद रही हूं, ये दो स्ट्रेट की बात की है हमने। यहाँ पे हॉर्मूज स्ट्रेट है, यहाँ पर बाबल मंडल स्ट्रेट है। तो यहां पर देखिए, ये रेड सी को किससे कनेक्ट करता है, इधर आपको देखिएगा गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, और यहां पर आप अगर देखेंगे इधर यमन है और इधर सोमालिया है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, बेरिंग स्ट्रेट की जब हम बात करेंगे तो बेरिंग स्ट्रेट जो है वो आर्कटिक एवं बेरिंग सागर से संबंधित है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ता है। और ये कौन से भूभाग है जिनको की अलग करता है, यूएसए को रशिया से। जिब्राल्टर की बात करेंगे, जिब्राल्टर जो है वो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक को जोड़ता है, और यूरोप के मोरक्को को अफ्रीका के स्पेन से अलग करता है। डोबर हमने डिस्कस कर लिया है, एक तरफ आपका अटलांटिक सागर है, ठीक है, और आपका सॉरी अटलांटिक सागर है और उत्तरी सागर है, या फिर इंग्लिश चैनल, ठीक है, इधर आप देखेंगे तो इंग्लिश चैनल है, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल। तो ये ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। मलक्का की बात करेंगे तो जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी और मलाया सुमात्रा को, ठीक है। फ्लोरिडा की हम बात करेंगे तो मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक ऑफ यूएसए व वेस्ट इंडीज को अलग अलग करता है। पाक की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर को जोड़ता है और भारत एवं श्रीलंका को अलग अलग करता है। तो यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट थे जो हमने डिस्कस किया है। 12वें प्रश्न को क्लास अब हम देखेंगे। 12वां प्रश्न देखिए क्या है, 12वां प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, 21 जून एवं 22 दिसंबर को दोनों कोलार्ड में दिन और रात बराबर होता है। दूसरा आपको दिया गया, अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। तीसरा आपको दिया गया है, चिनुक रॉकी पर्वत
कि पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म व सूक्ष्म हवा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सही उत्तर देखेंगे क्लास, तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा आपका सही है। इसको मैं अभी डिस्कस करती हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका बी होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, हमने अभी लिम्पोपो की बात की है। लिम्पोपो यहाँ पे देखिए, ये है लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो नदी को अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर लिम्पोपो नदी है और ये आपकी क्या है, ये आपकी मकर रेखा है। ठीक है, दो बार लिम्पोपो नदी को मकर रेखा काट रही है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर हम चीनुक चीनुक की बात करेंगे तो चीनुक जो है वो एक हॉट और ड्राई एयर है, जो कि आपके रॉकी पर्वत के अलोंग मूव करती है। ये भी एकदम सही है। पहला अगर हम ऑप्शन देखेंगे क्लास, यहाँ पर देखिए, जो पहले ऑप्शन में आपको दिया गया था 21 जून और 22 दिसंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होता है, वो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि 21 जून को नहीं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात जो होता है वो बराबर होता है, ना कि 21 जून और 22 दिसंबर को। ये चीज याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर याद रखिएगा। चलिए 13 प्रश्न को अब हम देखते हैं, 13वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में नहीं है? ठीक है, कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है ये बोला गया है। अटाकामा की अगर हम बात करेंगे, अटाकामा जो है वो साउथ अमेरिका में है, ये आपका सही है। ठीक है, नामिब डेजर्ट की बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका में है। थार मरुस्थल की बात करेंगे, थार डेजर्ट की, ये एशिया में है, एकदम सही है। लेकिन कालाहारी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। यहाँ पर अभी हमने दक्षिण अफ्रीका का मैप देखा है ना, तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, दक्षिण अफ्रीका को अगर आप देख रहे हैं आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, नामिब डेजर्ट पेपर में पूछा जाता है, नामिब डेजर्ट कहाँ है, तो आप याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ पर डेकन्सबर्ग भी पेपर में कई बार पूछा गया है, डेकन्सबर्ग कहाँ है, तो आप याद रखेंगे कहाँ पर है बताइए, दक्षिण अफ्रीका में है। किलीमंजारो पीक कहाँ है, आप याद रखेंगे, ये भी दक्षिण अफ्रीका में है। यहाँ पर ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में पूछेगा, तो ये भी कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। क्लास ये सब पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से इसको सुनते चलिए, जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे पेपर में एक बार पूछा गया था कि आपका लिबियान डेजर्ट कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, वो भी आपका दक्षिण अफ्रीका में है। न्यूबियन डेजर्ट कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और कालाहारी तो मैंने डिस्कस किया नहीं, कालाहारी अगर आप देखेंगे तो कालाहारी ये है, नामिब डेजर्ट और डेकन्सबर्ग के इधर बीच में आपको कालाहारी डेजर्ट दिखेगा। यहाँ पे नामिब डेजर्ट मैं दो चीज आपको बता रही हूँ, नामिब, ठीक है, नामिब डेजर्ट आप याद रखेंगे और इधर आप याद रखेंगे न्यूबियन डेजर्ट, ये दोनों दक्षिण अफ्रीका में है। अब यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या है, कालाहारी डेजर्ट। मैंने अभी आपको दिखाया जो कालाहारी डेजर्ट है वो दक्षिण अफ्रीका में है, ना कि उत्तरी अमेरिका में, तो बी आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे विश्व के प्रमुख मरुस्थल दिए गए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लीजिए क्लास, पेपर में पूछा जाता है। सहारा की बात करेंगे तो सहारा का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो ये अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, ठीक है, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनिशिया, मिस्र और मोरक्को में इसका विस्तार है। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में बताइए कौन कौन ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल कौन कौन से, ये भी हमने आपसे डिस्कस किया था। मैंने आपको बोला था कि आप याद रखेंगे कि ग्रेट सैंडी कहाँ पर है, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर है, सिम्पसन कहाँ पर है, गिब्सन कहाँ पर है, ठीक है, स्टुअर्ट रेगिस्तान कहाँ पर है, ये सब कहाँ पर है, ये सारे आपके ऑस्ट्रेलिया में है, क्लास पूछे गए हैं, इसलिए आपके दिमाग में होना चाहिए। गोबी डेजर्ट कहाँ है, ये मंगोलिया और चाइना में है। कालाहारी अभी हमने डिस्कस किया आपका कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। और किन किन अगर पूछेगा किन किन क्षेत्र में इनका विस्तार है, किन किन कंट्रीज में, तो आप याद रखेंगे बोत्सवाना और नाम्बिया में। टकला मकान कहाँ पर है, चाइना में है। नामिब अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कहाँ पर है बताइए, नामिब डेजर्ट, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है और किस कंट्री में है, नामीबिया में है। काराकुम डेजर्ट कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान में है। थार की बात करेंगे तो आपको पता है ये भारत और पाकिस्तान में है। सोमाली डेजर्ट की हम बात करेंगे, ये सोमालिया में, अफ्रीका में है।
अटाकामा जो है वो कहाँ पर है? चिली में है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। दस्ते लूट की बात करेंगे तो ये ईरान में है। मोजाब की बात करेंगे तो ये दक्षिण कैलिफोर्निया में है, यूएसए में। चलिए, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे इसलिए हमने डिस्कस किया। 14 प्रश्न को हम देखेंगे, कौन सी एक विशेषता धारवाड़ क्रम की चट्टानों की नहीं है? मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम चट्टानों की बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं तो हम दो चीज हमें याद रखनी है। धारवाड़, धारवाड़ की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई है क्लास, ठीक है। इसके बाद आपका गोडवाना की हम बात करते हैं। गोडवाना किस चीज के लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है, फॉसिल्स के लिए फेमस है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर कौन सी एक विशेषता धारवाड़ क्रम की चट्टानों की नहीं है? ये चट्टान भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, दिया गया है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं इन्हीं चट्टानों में मिलती हैं। मैंने आपको बताया है ज्यादातर मिनरल्स जो हैं यहाँ मिलती हैं। ये आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। और आखिरी दिया गया, भारत का 90 से अधिक कोयला इन्हीं चट्टानों से मिलता है। ये तो आपका गलत है, अभी हमने डिस्कस किया जो कोयला जो है वो प्रमुख रूप से आपको गोडवाना में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का डी। अच्छा क्लास, मैंने आपको एक चीज बताया था कि आर्चियन के बाद आपका धारवाड़ आता है ना, ये चीज याद रखिएगा। आर्चियन चट्टानों के अपरदन से, ठीक है, आपको कौन सी चट्टानें मिलती हैं? आपको मिलती हैं धारवाड़ चट्टानें। तो यहाँ पे 14 का डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, 15th प्रश्न। यहाँ पर इवेंट दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसको इवेंट मत करिए, यहाँ पर आपको घटना दी गई है और यौगिक दिया गया है। ये भी इन्वायरमेंट का प्रश्न है। यहाँ पे अम्ल वर्षा की जब हम बात करेंगे, एसिड रेन की बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया है कि एसिड रेन के लिए आपके नॉक्स और सॉक्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सल्फर डाई, इसको DIO करिए, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ गलत तरीके से इसमें स्पेलिंग लिखी हुई है, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा। तो एसिड रेन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ए का थर्ड आपको दो जगह दिया गया है, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है प्रकाश रासायनिक धुंध, जिसको कि फोटोकेमिकल मिस्ट बोला गया है। फोटोकेमिकल मिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बी का आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए। फिर यहाँ पर दिया गया है हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। तो आपको पता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि वो सीधा हमारे ब्लड के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, जिससे कि लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर बी सी का सेकेंड हो जाएगा। और डी का फर्स्ट का ओजोन लेयर डिग्रेडेशन की बात करेंगे तो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एसिड रेन की जब भी हम बात करेंगे तो आप याद रखेंगे सॉक्स और नॉक्स, ठीक है, मैंने आपको बताया है। यहाँ पर सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की हम बात करते हैं। ओजोन लेयर डिग्रेडेशन की बात जब हम करते हैं तो मैंने आपको सारे फैक्ट्स ओजोन से रिलेटेड पहले भी बताए हैं, आज भी बता देती हूँ। जो पेपर में प्रश्न बनता है, सबसे पहले प्रश्न बनता है कि जो ओजोन लेयर है वो आपके किस मंडल में पाए जाते हैं? तो समताप मंडल में, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, याद रखिएगा पहला पॉइंट, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर की हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से पेपर में प्रश्न बनता है कि ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 16 सितंबर को, ठीक है। ओजोन डे किस दिन हम मनाते हैं? 16 सितंबर को। ओजोन लेयर जो है वो हमें किस रेस से प्रोटेक्ट करती है? यूवी रेस, पैराबैंगनी किरणों से, ठीक है। गुड ओजोन जो होते हैं वो आपके वो ओजोन लेयर होती है जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है और हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। अगर यही जो ओजोन है वो आपके क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में मिले तो उसको हम बैड ओजोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह क्या करते हैं? बिहेव करते हैं, ठीक है। ये एक पॉल्यूटेंट हो जाते हैं अगर ये हमारे वायुमंडल में मिले, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर में, इसमें क्षोभ मंडल में, ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए क्लास, 16वां प्रश्न। यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना दी गई है और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं।
तो सबसे पहले आपको चमेरा परियोजना दी गई है। चमेरा परियोजना जो है वो किस नदी से रिलेटेड है अगर मैं आपसे पूछूं, तो ये आपके रावी नदी से रिलेटेड है, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। और ये आपकी कहाँ पर है अगर मैं आपसे पूछूं, तो रावी नदी है तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश होगा। तो ए का थर्ड आपका यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। दोयांग परियोजना की जब हम बात करेंगे तो ये दोयांग नदी पर है और ये कहाँ पर है, ये नागालैंड में है। बी का फोर्थ यहाँ दिया गया है। कोयना परियोजना की जब हम बात करेंगे तो ये कोयना नदी में है और कोयना नदी कहाँ पर है, आपकी महाराष्ट्र में है, तो सी का सेकंड। ये सब परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। उकाई परियोजना की बात करेंगे तो ये किस पर है, ये ताप्ती नदी पर है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है आपका, ये आपका गुजरात में है, तो यहाँ पर आपका डी का फर्स्ट हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास 16th का, डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, 17th प्रश्न। अंडमान द्वीप समूहों का सबसे दक्षिणी द्वीप है, ठीक है। सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान आइलैंड, सदर्न मोस्ट की बात की गई है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर आपको दिया गया है साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिया गया लिटिल अंडमान, और आखिरी में आपको क्या दिया गया, नॉर्थ अंडमान। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, आपका सही उत्तर जो है वो है लिटिल अंडमान, ठीक है। 17th का सी आपका सही उत्तर है। अभी हम इसको फिगर के उसमें डिस्कस करेंगे, तो आप देख लीजिए यहाँ पर, ये आपको अंडमान निकोबार आइलैंड दिख रहा है, यहाँ पर देखिए नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, फिर मिडिल अंडमान है, लोअर अंडमान है, और इधर आप देखेंगे सबसे साउथ में, ठीक है, तो आपको कौन सा अंडमान दिख रहा है, लिटिल अंडमान दिख रहा है। क्लास दिख रहा है ना फिगर में, ठीक है। अच्छा, अगर पेपर में अगर आपसे पूछेगा कि अंडमान निकोबार को कौन सा किस डिग्री चैनल से अलग करता है, तो यहाँ पे आप 10 डिग्री याद रखिएगा, ठीक है, 10 डिग्री आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे मध्य अंडमान जो है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा, मध्य अंडमान जो है, जो कि मिडिल अंडमान है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है वो सैंडल पीक है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी क्या है, सैंडल पीक है, ठीक है। जबकि जब हम उत्तरी अंडमान पर देखेंगे तो जबकि ग्रेट निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है वो आपकी माउंट धुलियार है, ये भी याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी है। डंकन पास छोटा अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य है, डंकन पास, और अगर हम 10 डिग्री, ये 100 नहीं है, ये 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे, तो 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान व निकोबार को अलग करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्लास, क्योंकि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, 18वां प्रश्न। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करिए। अच्छा, अंडमान निकोबार में जो आपके जो ट्राइब्स हैं वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये याद रखिएगा। मैंने देखा है कई बार परीक्षा में डायरेक्टली पूछा गया है कि ये ट्राइब्स आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, वो कौन कौन से थे। एक मैंने आपको जारवाज बताया था, याद रखिएगा, ठीक है, एक जगह नोट कर लीजिए, ठीक है, ऊंस बताया था, सेंटिनलीज बताया था, ये तो पूछा गया है पेपर में। इन सबको आपको याद रखना है कि ये सारे ट्राइब्स आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये सारे ट्राइब्स आपके अंडमान निकोबार में मिलते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्लास, मैं एक बार फिर बोलूंगी आपको। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर आपको फिर सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हुए चलते हैं हम। राष्ट्रीय अंतरदेशीय नौवहन संस्थान कहाँ पर है, ये इसका केंद्र आपका कहाँ पर है, पटना में, तो ए का सेकंड एक ही जगह दिया गया है, बी में दिया गया है। हम और ऑप्शंस को चेक करेंगे। केंद्रीय जल परिवहन निगम की हम बात करेंगे तो ये कोलकाता में, बी का फोर्थ, ठीक है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान की अगर हम बात करेंगे तो मतलब नेशनल वाटर स्पोर्ट इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है, गोवा में है। अंतरदेशीय जलमार्ग निगम इनलैंड वाटरवे कॉरपोरेशन कहाँ पर है, ये आपका नोएडा में, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 18th का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19th प्रश्न को अब हम देखेंगे, 19वें प्रश्न को। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपकरण ऊर्जा का रूपांतरण, ठीक है, चलिए यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की बात बोली गई है। अच्छा, सबसे पहले आपको दिया गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। क्लास यहाँ पर एक चीज जरूर देख लिया करिए कि करेक्ट पूछा गया कि नॉट करेक्ट पूछा गया। यहाँ पर आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो लाउड स्पीकर, ये जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एकदम सही है ना। लाउड लाउड स्पीकर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दूसरा हम देखते हैं सितार की, अगर हम बात करें सितार में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये आपका गलत है। सितार में भाई मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थोड़ी कन्वर्ट होती है, साउंड एनर्जी में ना म्यूजिक निकलता है ना जब आप उसको ऐसे से मतलब सितार बजाते हो, तो ये तो गलत है, ठीक है। फिर आपको सोलर एनर्जी दिया गया है, सोलर एनर्जी में सोलर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सोलर एनर्जी कह लो या फिर लाइट एनर्जी कह लो, ये आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये भी सही है। यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच बोला गया है, इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब क्लास यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख उपकरणों के नाम दिए गए हैं और उसमें जो ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है वो दिया गया है। जैसे विद्युत बल्ब की अगर हम बात करेंगे तो आप सभी को पता है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में आपकी परिवर्तित होगी। विद्युत हीटर की बात करेंगे तो हीटर में क्या होता है बताइए, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, आप हाथ सेकते हो ना, ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। डायनेमो की बात करेंगे, ये परीक्षा में पूछा गया है तो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा आपकी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, ठीक है, ये परीक्षा में पूछा गया है तो इसको आप याद रखिएगा, और सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है, आप लोगों को आता होगा। 20वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। प्रश्न में दो वक्तत्व दिए गए हैं, कथन कारण बेस्ड प्रश्न है, ठीक है, हम डायरेक्ट प्रश्न पढ़ते हैं। कथन है, पारे की छोटी बूंदे गोल होती है परंतु बड़ी बूंदे चपटी होती है। कारण दिया गया है, बहुत छोटी पारे की बूंद का द्रव्यमान कम होने के कारण उस पर गुरुत्व बल कम लगता है, बूंद बड़ी होने पर गुरुत्व बल बढ़ जाता है इस कारण। तो यहां पर देखिए क्या बोला गया है, अगर आप मरकरी की एक स्मॉल ड्रॉप लेंगे तो वो ऐसे गोल बनेगी, ठीक है, और यहीं पर अगर आप मरकरी का ज्यादा अमाउंट लेंगे तो वो आपकी चपटी रहेगी कुछ इस तरीके से। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो ग्रेविटी फोर्स, जो ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका कम लगता है, ठीक है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ मरकरी पे, लेकिन जब हम लार्ज ड्रॉप लेते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है और वो चिपट जाती है। तो ये आपका सही है क्लास, 20वें का ए आपका सही उत्तर है, ठीक है, दोनों ही कथन कारण दोनों ही आपके बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख लीजिए, पारे की छोटी बूंदे गोल होती है परंतु बड़ी बूंदे चपटी होती है, क्योंकि बहुत छोटी पारे की बूंदों का द्रव्यमान कम होने के कारण उस पर गुरुत्व बल कम लगता है, अतः पृष्ठ तनाव बल या संसजक बल जिसको कि हम सरफेस टेंशन कहते हैं अधिक प्रभावी होता है, वह पृष्ठ को गोलीय बनाए रखता है। बूंद बड़ी होने पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका बढ़ जाता है जिससे बूंद चपटी होने लगती है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। 21वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है, आप याद रखिएगा, जब भी हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, ये चीज याद रखिएगा, जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी बढ़ जाती है, इस जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और फिर आपका जो सरफेस टेंशन है वो भी डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन, ये आपका गलत है, ठीक है। जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं जो सरफेस टेंशन है वो आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। सरफेस टेंशन डिक्रीजेस टू जीरो ऑन क्रिटिकल हीट, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका यही सही होगा, तो 21 का बी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे देख लीजिए क्लास, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, जिसके वजह से जो इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो वो आपका डिक्रीज होगा और आपका सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगा, पृष्ठ तनाव भी डिक्रीज हो जाएगा। 22वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ युग्म दिए गए हैं, पेड़ दिए गए हैं और ब्रांच ऑफ साइंस दिया गया है, ठीक है, तो कौन सा किस चीज से रिलेटेड है, चलिए देखते हैं। हम जब भी फ्रेनोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम स्कल स्टडी की बात करते हैं, एकदम सही है।
खोपड़ी के अध्ययन की बात करते हैं, ठीक है। मायोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम स्टडी ऑफ मसल्स की बात करते हैं, सही है। नेफ्रोलॉजी में किडनी की स्टडी की बात करते हैं, एकदम सही है। तो यहाँ पर 22वें का डी आपका सही उत्तर होगा। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, यहाँ इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। एंटोमोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो कीट पतंग विज्ञान की हम बात करते हैं, ठीक है। ओर्निथोलॉजी की जब हम बात करेंगे यहाँ पे पक्षी विज्ञान की बात की जाती है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास के अध्ययन की बात की जाती है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन होता है। इथोलॉजी में जीवों के प्राजातीय गुणों का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स आपको पता है, यहाँ पे हम जीन की बात करते हैं, वंशानुगत की बात करते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क की बात, मस्तिष्क के रोग का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वायरोलॉजी में वायरस का, गाइनोलॉजी आपको पता है, गाइनकोलॉजी जिसको कि हम बोलते हैं स्त्री रोग। कार्डियोलॉजी में हार्ट, ठीक है। हिमटोलॉजी में आपको पता है यकृत। फाइकोलॉजी में शैवालों का। एग्रोनोमी में फसल और पेडोलॉजी में मृदा का। 23rd प्रश्न को अब हम देखते हैं। कंधे का जोड़ व कूल्हे का जोड़ किस प्रकार की अस्थि संधि है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया व्हाट टाइप ऑफ बोन जॉइंट इज द शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। तो यहाँ पर ये किस तरीके का जॉइंट है, ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, कंदुक और खली का संधि है। यहाँ पे अभी हम फिगर के माध्यम से देखेंगे, पिक्चर के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। 23rd का ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, ये जो जॉइंट होता है, यहाँ पर आपको शोल्डर जॉइंट दिख रहा है ना, ये आपका शोल्डर है, यहाँ पे जॉइंट, ये बॉल, ठीक है, बॉल, और इधर आपको दिखेगा तो ये सॉकेट, इसी वजह से हम इसको बॉल और सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ऐसे ही हिप की जब आप बात करते हैं तो हिप में इधर जो जॉइंट रहता है यहाँ पर फेमर बोन में, और इधर जो आपका हिप का पेल्विस रीजन है, तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, बॉल और सॉकेट, कुछ बॉल की तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, और यहाँ पर सॉकेट, तो बॉल और सॉकेट जॉइंट इसको कहते हैं। 24th प्रश्न हम देखते हैं, यकृत से रिलेटेड है, लिवर से रिलेटेड है। यकृत लिवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। फिर दिया गया यकृत द्वारा श्रावित पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। और थर्ड आपको दिया गया है यकृत प्रोटीन उपापचय में भाग लेता है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया, इंग्लिश में एक बार पढ़ते हैं। जो लिवर है वो आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। बाइल जूस आपका सिक्रीट होता है बाय द लिवर, लेकिन वो आपका स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। और आखिरी में आपको दिया गया है लिवर जो है वो पार्टिसिपेट करती है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शंस जो दिए गए हैं क्लास, वो बिल्कुल ही सही है। तो डी आपका सही उत्तर है। पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि बाइल जूस सिक्रीट किसके द्वारा किया जाता है, तो आप याद रखेंगे यकृत द्वारा, लिवर द्वारा, और ये स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर हम कुछ और चीजों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने आपको बता ही दिया बाइल जूस वाला, ठीक है, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए पित्त कायम की हम बात करेंगे, पिसा हुआ भोजन की वसा को जल के साथ मिलाकर इमल्शन, ठीक है, इमल्शन यहाँ पर बनाने में सहायता करता है। पित्त वसा एवं विटामिन के अवशोषण में सहायता करता है। याद रखिएगा पेपर में प्रश्न पूछता है कि जो बाइल जूस है, ठीक है, जो बाइल है वो आपके किसके अवशोषण में सहायता करता है, तो विटामिन के अवशोषण में सहायता करता है और फैट के अवशोषण में। ये परीक्षा में पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इस चीज को भी अपने दिमाग में बना के रखिएगा। तो जो जो पॉइंट अभी आपको बाइल जूस से रिलेटेड बताया गया है वो परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 25वां प्रश्न। यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे पहले सोडियम 24 दिया गया है। सोडियम 24 परिसंचरण तत्व में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए, तो ये सही है आपका, ठीक है। कार्बन 14 दिया गया है, ये कैंसर के उपचार में बोला गया है जो कि आपका गलत है, ठीक है। आपको पता है ना कार्बन जो है वो कार्बन डेटिंग में यूज होता है, जिसके के थ्रू हम क्या पता लगाते हैं किसी चीज की एज, ठीक है, कि किस समय ये आपका था, जो भी स्पेसिमेन है, जो भी आपका जो स्पेसिमेन है उसके काल, किस काल का है, ये किस काल से बिलोंग करता, उसको पता लगाते हैं। आयोडीन की बात करेंगे तो ये थायराइड से रिलेटेड है, थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने के लिए, तो ये और ये सही है। लेकिन जो ये सी कार्बन 14 कैंसर के उपचार के लिए, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे करेक्टली मैं आज पूछा गया है, इस वजह से आपका उत्तर क्या होगा, 1 और 3।
यहाँ पर क्लास देख लीजिए, ये भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सोडियम 24 की बात करेंगे तो ये रक्त से रिलेटेड है, ठीक है, रक्त में जो थक्के हैं उनका पता लगाने के लिए। कार्बन 14 की जब हम बात करेंगे तो कार्बन काल के निर्धारण में, टू एस्टिमेट द स्पेसिमेंस एज, ठीक है। फॉस्फोरस 32 की हम बात करेंगे तो ये ल्यूकेमेनिया के उपचार के लिए में सहयोग देता है। आयोडीन थायराइड से रिलेटेड है, ठीक है। फेरस 59 की बात करेंगे तो अरक्तता के रोग के ज्ञात करने के लिए। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार के लिए। और आर्सेनिक 14 त्वचा संबंधित रोगों के लिए। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ से पेपर में प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास, तो इसको एक जगह नोट डाउन करिए। 26 प्रश्न को अब हम देखते हैं। मैरी कल्चर का संबंध है, मैरी कल्चर का संबंध किससे है हम देखते हैं। संरक्षण के लिए समुद्री मछलियों के संवर्धन से, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैरीन फिशेज, फॉर कंजर्वेशन, उनके संरक्षण के लिए। बी आपको दिया गया विशेष समुद्री क्षेत्र में समुद्री मछली की विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ स्पेशल स्पीशीज ऑफ मैराइन फिश इन द स्पेशल मैराइन एरिया। फिर सी आपको दिया गया भोजन के लिए समुद्री मछलियों के संवर्धन से, प्रमोशन ऑफ मैराइन फिशेस फॉर द फूड। और आखिरी में आपको दिया गया विशेष समुद्री क्षेत्र में मछलियों के भोजन हेतु खाद्य पदार्थों प्लवक के संवर्धन से। तो यहाँ पर जो आपका मैरी कल्चर है वो आपका किस चीज से रिलेटेड है, मैरी कल्चर रिलेटेड है क्लास प्रमोशन ऑफ मैराइन फिशेस फॉर द फूड, यहाँ पर भोजन के लिए समुद्री मछलियों के संवर्धन से। तो 26 का सी आपका सही उत्तर है। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि मैंने अभी पहले आपसे डिस्कस किया कि जो आपके जैसे सोडियम 24, कार्बन 14, फॉस्फोरस 32 डिस्कस किया ना, ये किन किन चीज़ों के लिए यूजफुल होता है, वहाँ से पेपर में प्रश्न बनता है। इसी तरीके से यहाँ पर प्रमुख अध्ययन जो आपके क्षेत्र हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है, यहाँ से भी पेपर में प्रश्न बनता है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ज़रूर लीजिए, ठीक है। आर्बोरी कल्चर की हम बात करेंगे तो आर्बोरी कल्चर जो है वे वृक्ष उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। एपी कल्चर की बात करेंगे तो ये मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। ओलिवी कल्चर की बात करेंगे तो ये आपके जैतून कृषि का अध्ययन है, ठीक है। यहाँ पे ओलेरी कल्चर की, ओलिवी कल्चर की जैतून से, और ओलेरी कल्चर की जब हम बात करेंगे तो सब्जियों के व्यापारिक कृषि से, पिशी कल्चर मछली से, फ्लोरी कल्चर फूलों की कृषि से, सिल्वी कल्चर जो है वो वन की कृषि का अध्ययन है, सेरी कल्चर रेशम उत्पादन से, हॉर्टिकल्चर फल फूल एवं सब्जी उत्पादन से। क्लास इंपॉर्टेंट है तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। 27 प्रश्न को अब हम देखते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, चलिए असत्य कथन ढूंढते हैं। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, तो बताइए परमानेंट हाउस है ना राज्यसभा, आपको पता है, वेरी गुड, हाँ है। दूसरा अब हम देखते हैं, दूसरा क्या दिया गया है आपको, संविधान की 5वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है, बताइए ऐसा कुछ किया गया है, बोलिए, नहीं किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है, ये भी गलत है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर दिया गया 5वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित है, वो 5वीं अनुसूची में नहीं है, संविधान की 4थी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्य की संख्या निर्धारित की गई है। तो दोनों ही आपका गलत है। आपका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए, ए आपका खाली, सॉरी ए आपका सही है, और यहाँ पर ए आपका सही है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो अब उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से कहिए ऐश्वर्या मैम, आपने गलत टिक लगाया है, उत्तर होगा 2 और 3, बी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया, यहाँ पर 4 शेड्यूल होगा और यहाँ पर 6 ईयर होगा, 2 और 3 आपका सही उत्तर होगा और इस प्रश्न का बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास, चलिए अच्छा अगर हम बात करें संविधान में, तो संविधान के अनुच्छेद 80 में, ठीक है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में कहा गया है, ठीक है। अगर राज्यसभा में हम अधिकतम मेंबर की बात करें तो मैक्सिमम कितना, 250 आपके सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 जो मेंबर्स हैं वो आपके राज्य, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से, संघ राज्यों से होते हैं, और 12 जो सदस्य हैं उनको कौन आपका अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति द्वारा इनको किया जाता है, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य विज्ञान कला तथा समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये मैंने डिस्कस कर ही लिया है, तो यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए 28वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 28वां प्रश्न देखिए, केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था,
तो सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1970 में, 1980 में, 1983 में, 1995 में। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? 1983 में, सी आपका सही उत्तर है। केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 9 जून 1983 को सरकारिया कमीशन अपॉइंट किया गया था, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो 1987 में। दोनों चीज आपको याद रखना है। चलिए 29 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहां पर सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है हमें, ठीक है। तो एक तरफ आपको संघ राज क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ उच्च न्यायालय दिए गए हैं। लक्षद्वीप आपके किसके उसमें आता है, जुरिस्डिक्शन में, बताइए? केरल। तो यहां पर ए का फोर्थ आपको दो जगह दिया गया है, बी में भी दिया गया है और डी में भी दिया गया है। अब देखिए बी का तीसरा होगा, ये तो इसी से क्लियर हो गया। तो पुडुचेरी जो है वो आपका चेन्नई, तो तीन, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं अंडमान व निकोबार। अंडमान निकोबार किस क्लास, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको सेम दे दिए गए हैं, देख लीजिए। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे देखिए बी और डी आपका सही दिया गया और यही आपका सही होगा। तो बी भी सही है जिन्होंने मार्क किया है, डी भी जिसने मार्क किया सही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप केरल, पुडुचेरी चेन्नई, अंडमान निकोबार कोलकाता, दमन दीव एवं नागर हवेली मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पर डी और बी दोनों ही सेम थे, इस वजह से सही उत्तर दोनों होगा। तीसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रथम बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर किस आम चुनाव में किया गया था? इन विच जनरल इलेक्शन वॉज द फर्स्ट यूज ऑफ फ्रेंचाइज बाई द यूथ एट द एज ऑफ 18। 18 वर्ष कर दी गई थी ना, तो कब? 1987, 1988, 1989 या 1990? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? 1989। अब क्लास यहां पे जो प्रश्न बनता है वो हम डिस्कस करते हैं। पेपर में प्रश्न बनता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, किस अधिनियम संशोधन द्वारा जो वोटिंग एज थी उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, बताइए। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो वोटिंग एज थी उसको 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो आप याद रखेंगे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61st संशोधन मतलब ये जो 61st आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा जो वोटिंग एज थी उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, याद रखिएगा ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 31st सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। बोला गया है किस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में, किस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में या फिर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दिया गया है टू स्टैब्लिश एंड द फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसमें बोला गया, बताइए? तो ये आपका बोला गया आर्टिकल 124 में, और मैंने आपको बताया है। और यहीं पे हाई कोर्ट के बारे में सेम चीज पूछ ले तो आपको बस नंबर को इस तरीके से अरेंज करना है। 214 में किसके बारे में बोला गया? हाई कोर्ट के बारे में बोला गया है, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है, पहले 31st का बी आपका सही उत्तर है। यहां पर आप देख लीजिए कुछ चीजें, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है, एडहॉक होता है, एडहॉक जस्टिस होता है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में किस अनुच्छेद में बोला गया है? 126 में, 126 में, ठीक है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बोला गया है। 127 में किसके बारे में बोला गया है? एडहॉक जस्टिस के बारे में, ठीक है, तथर्थ न्यायाधीशों के बारे में। और आपको पता है आर्टिकल 129 में क्या बोला गया है? जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है, अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। ये सारे आर्टिकल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एक बार इसको रिवाइज कर लिए। 32nd प्रश्न को अब हम देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा राज्य का बजट प्रस्ताव पारित किया जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में आती है। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न है उसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगी क्योंकि आवश्यकता है आप लोगों को, इंग्लिश मीडियम वालों को। स्टेट बजट रिजोल्यूशन इज पास बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल और द प्रोक्लेमेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल कम अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू।
यहाँ पर आपके दोनों ही ऑप्शन सही हैं क्लास, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए, जब भी प्रेसिडेंट रूल होगा तो जो स्टेट बजट का जो रिजोल्यूशन है वो आपका किसके द्वारा पास किया जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाएगा, ठीक है, संसद द्वारा पास किया जाएगा। और प्रोक्लेमेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंधित जो भी उद्घोषणा है वो न्यायिक पूर्वालोकन के दायरे में आती है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, 33rd प्रश्न। 33rd प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी समिति पहले गठित हुई थी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड प्रश्न भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। जैसे आपको पता होगा, अब तो आप लोगों को रट गया होगा क्लास, कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को हमारे संविधान में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। फिर अगर पेपर में प्रश्न पूछता है कि सबसे पहली कमेटी कौन सी थी, तो आप सभी को पता है कौन सी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी थी, जो कि इस प्रश्न में पूछा भी गया है। तो यहाँ पे 33rd का बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। बलवंत राय मेहता कमेटी आपकी कब गठित हुई थी, 1956 में, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद संथानम कमेटी आई थी, अशोक मेहता कमेटी आई थी, पीवीके राव कमेटी आई थी, एल एम सिंघवी कमेटी आई थी। ये सारे कमिटीज आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं और इनके ईयर भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर परीक्षा में पूछेगा कि किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको एक संविधानिक दर्जा दिया गया, तो आप क्या बताएंगे, एल एम सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन पे। अगर विलय बोला जाएगा डीपीएसपी में कहां पर विलय पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात की गई है, तो किस आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में। ये सारे प्रश्न पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। किस शेड्यूल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, अगर हम अनुसूची की बात करेंगे तो 11वीं अनुसूची है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान। 34th प्रश्न अब देखिए, 34th प्रश्न क्या है क्लास, सुर सरोहर पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो सुर सरोहर पक्षी बिहार आगरा में है, बहराइच में, हरदोई में है कि पीलीभीत में। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, सुर सरोवर पक्षी बिहार आगरा में है। 34th का ए आपका सही उत्तर है। अब क्लास यहाँ पर कुछ और आपके पक्षी बिहार दिए गए हैं, जैसे नवाबगंज पक्षी बिहार कहाँ पर है, उन्नाव में है। पटना पूछा गया है परीक्षा में कहाँ पर है, एटा में है। लाख बख्शी बहोशी की जब हम बात करेंगे तो ये कन्नौज में है। बखीरा कहाँ पर है, संत कबीर नगर में है। सुरहाताल कहाँ पर है, बलिया में है। भीमराव अंबेडकर पक्षी बिहार प्रतापगढ़ में है। समसपुर पक्षी बिहार रायबरेली में है। सांडी पक्षी बिहार हरदोई में है। समान पक्षी बिहार मैनपुरी में है। विजय सागर पक्षी बिहार महोबा में है। पार्वती अरंगा पक्षी बिहार गोंडा में है। और ओखला पक्षी बिहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में है। 35th प्रश्न को अब हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये आपका पहला था, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में इसे बनाया गया है। 35th का डी आपका सही उत्तर है। 36th प्रश्न को अब हम देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस की बात की गई है। यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित गैसों को उनके योगदान प्रतिशतता के अनुरूप अवरोहित क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा कम किसका है। तो आपको पता है, अगर हम ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका जो आपका होता है वो वाटर वेपर होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर आपका मीथेन आएगा, फिर आपका ओजोन आएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाटर वेपर, ठीक है, दो यहाँ दिया गया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तो डी होगा, फिर उसके बाद मीथेन, फिर ओजोन। यहाँ पर देख लीजिए, ग्रीन हाउस गैसेस में सर्वाधिक योगदान देने वाले प्रमुख गैसेस, सबसे ज्यादा जल वाष्प का योगदान होता है वाटर वेपर का, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर मीथेन का, फिर ओजोन का, जो कि हमने डिस्कस किया। 37 प्रश्न देखेंगे। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं तो आप क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिएगा। पूछा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है, तो वो आपका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। 37 प्रश्न अब हम देखेंगे, भारत के सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था। तो बताइए कौन सा था, यहाँ पर
केरला, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो यहाँ पर सर्वाधिक अगर हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल ओवर 60 ईयर ऑफ एज जो है वो आपके पाए जाते हैं केरल में। और केरल में आपको पता है यहाँ पे लिटरेसी भी सबसे ज्यादा है। तो 37 का ए आपका सही उत्तर है। और अगर यहाँ पे न्यूनतम पूछा जाएगा 60 प्लस के लोगों की संख्या न्यूनतम कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक कहाँ है? केरल में, जहाँ पे सबसे ज्यादा लिटरेसी है, और न्यूनतम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। 38 प्रश्न को देखेंगे, भारत में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में सबसे पहली बार फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी बताइए? 1960 में, 1976 में, 2000 में, 2004 में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? 38 का 1976 में। 1976 में देश में पहली बार जनसंख्या की नीति की घोषणा की गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा संशोधित जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, ये भी याद रखिएगा। और अगर अभी हम बात करें तो भारत की नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई है? 15 फरवरी 2020 को। 39 प्रश्न को अब हम देखेंगे, बड़ा प्रश्न है तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुखौटा नृत्य का प्रकार है जिसमें पौराणिक कहानियों का वर्णन करने के लिए शक्तिशाली युद्ध संबंधित संचालनों का प्रयोग किया जाता है? 2011 में यूनेस्को में मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी इसे शामिल किया गया है। यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ द मास डांस दैट यूजेस पावरफुल कॉम्बैट ऑपरेशन टू डिस्क्राइब माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन यूनेस्को इन 2011। तो कौन सा है बताइए? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो आपका है छऊ, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगर हम छऊ की बात करें तो छऊ जो है वो आपका एक डांस फॉर्म है, ये तो आपको पता ही है, जो कि एक शब्द छाया से निकल, छाया आप जानते ना, शैडो, छाया से निकला हुआ ये शब्द है छऊ, जिसका कि अर्थ क्या होता है? परछाई। और ये एक मुखौटा नृत्य का प्रकार है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए यहां पर देख लीजिए, कुछ लोक नृत्य दिए गए हैं और राज दिए गए हैं, जैसे गरबा गुजरात में, ठीक है। चारबा की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में, बिरहा बिहार में, झूमर झारखंड में, बिहू असम में। तो इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। आज की क्लास के आखिरी प्रश्न को हम देखेंगे, होरी और धनिया मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? होरी और धनिया बताइए, गोदान के, गमन के, निर्मला के या फिर सेवा सदन के? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है आपका गोदान। 40 का ए आपका सही उत्तर है क्लास। तो आज की क्लास में हमने 40 प्रश्नों को डिस्कस किया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। जो भी क्वेरीज मैं पढ़ती हूँ उसको मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर उसके बारे में आपको बताती हूँ, कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, ठीक है। और खूब तेजी से अपना रिवीजन स्टार्ट करना शुरू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए। कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसको बताइए, उसको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के माध्यम से कवर किया जाएगा। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे पढ़िए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद क्लास।